हाय गाइस दिस इज संदीप एंड वेलकम बैक टू लेट्स लर्न इंग्लिस विद संदीप सागर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सम शॉर्ट डेली यूज इंग्लिस सेंटेंसेस दैट विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड आज का हमारा पहला सेंटेंस है बहुत देर हो गई है आप बोल सकते हैं इट्स बिन सो लॉन्ग इट्स बिन सो लॉन्ग क्या मुसीबत है है ना आप एक्सप्रेशन देते हुए बोलते हैं वट अ बोदर वट अ बोदर और साथ में एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है इलाज चल रहा है आप बनाते हैं द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन क्या घर है है ना आप बोलते हैं वाओ क्या घर है तो आप बोलते हैं व्हाट अ हाउस व्हाट अ हाउस खाना लग गया आप बोलते हैं फूड हैज़ बिन सर्वड फूड हैज़ बिन सर्वड बस हो गया आप सिंपली इंग्लिश में बोलते हैं डैट ऑल, डैड ऑल। पानी ढाल दीजिए है ना? आप मान लीजिए खाना खा रहे हैं और बोलते हैं पानी ढाल दीजिए पोर द वॉटर पोर द वॉटर हमारा अगला सेंटेंस है ठीक ठाक है है ना मान लीजिए कोई पूछता ये कैसा है आप बोलते हैं ठीक ठाक है इट्स सो सो इट्स सो सो कोई बात नहीं है ना आप सिंपली इंग्लिश में बोलते हैं इट डजेंट मैटर इट डजेंट मैटर चूल्हे में जाओ या फिर भार में जाओ दोनों की इंग्लिश सेम होती है गो टू हेल गो टू हेल फ़ायदा क्या है? है ना आप पूछेंगे वट इज़ द यूज़ वट इज़ द यूज़ कोई फ़ायदा नहीं आप बोलते हैं इट्स नो यूज़ इट्स नो यूज़ बहुत कम उम्मीद है है ना उम्मीद बहुत कम है आप बोलते हैं देयर इज अ वेरी लिटिल चांस देयर इज अ वेरी लिटिल चांस क्या कहते हो है ना कई बार आप राय लेने के लिए ऐसे पूछते हैं वट यू से वट यू से किसके बारे में है ना आप पूछते हैं अबाउट होम अबाउट होम हवा एकदम बंद है मतलब हवा बिल्कुल नहीं चल रही है द विंड इज़ ऑलमोस्ट स्टिल द विंड इज़ ऑलमोस्ट स्टिल वो नहीं रहा है ना इसके लिए आप इंग्लिश बोलते हैं ही इज नो मोर ही इज नो मोर तुम्हें मेरी कसम कई बार आप कसम देते हुए इस तरीके का सेंटेंस बोलते हैं Swear ऑन मी स्वेर ऑन मी आज बहुत धूप है आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स वेरी सनी टुडे इट्स वेरी सनी टुडे छोड़ो मेरा फोन आप बोलते हैं लेट गो ऑफ माई फोन लेट गो ऑफ माई फोन तुम्हें कोई काम नहीं आप पूछ सकते हैं डोंट यू हैव एनी वर्क डोंट यू हैव एनी वर्क इशारा मत करो आप सिंपली इंग्लिश में बोलते हैं डोंट जेस्चर डोंट जेस्टर आंसू मत बहाओ आप बोल सकते हैं डोंट सेड टीयर्स डोंट सेड टीयर्स हमारा अगला सेंटेंस है तुमसे मतलब कई बार आप गुस्से में ऐसे बोल देते हैं आप इंग्लिश में बोल सकते हैं नन ऑफ योर बिजनेस नन ऑफ योर बिजनेस आप इस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं